कविताकार वहां के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। मैं कृष्ण कल्पित बोल रहा हूं। जैसा कि मुझे बताया कि कविताकार वहां उत्तराखंड के युवा कवियों, युवा पाठकों और युवा साहित्य प्रेमियों का एक संगठन है। उस पे मैंने देखा कि कविता पाठ के, कविता वाचन के और साहित्य की दूसरी बहसें वगैरह जो भी है, इस तरह के कार्यक्रम वो करते हैं और एक साहित्य के प्रति युवाओं में एक चेतना जगाने का काम करते हैं। मैं उनको सबको नमस्कार करता हूँ। मुझे एक बात और सुंदर लगी कि अभी तक जितने भी लाइव प्रोग्राम मैंने किए हैं उसमें अपनी रचनाओं का मैंने पाठ किया। इंदनामा से, दूसरी बढ़ई का बेटा से और दूसरे कविता संग्रहों से मैंने पाठ किया। लेकिन ये सुंदर बात है कि कविता कारवा के मिलिंद बिष्ट जी ने मुझे कहा या साथियों ने कहा कि आप अपने प्रिय कवियों की कविताओं का पाठ करें। तो देखिए कि ये सुंदर बात है, अपनी कविताओं का पाठ करना कभी कभी करना चाहिए। जब कविता लिखी है तो आप अपनी कविताओं का पाठ करते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप कवि बने हैं तो किन कवियों को पढ़ करके कवि बने हैं, किन प्रेरणाओं से कवि बने हैं, आपकी अपनी प्रिय कविताएं कौन सी है, ये जानना बड़ा दिलचस्प होता है। और बंगाल में, हिंदी क्षेत्रों में ऐसा नहीं है। बंगाल में तो एक पूरी ये विधा है जिसको आवृत्ति कहा जाता है और वहाँ जो प्रतिष्ठित कवि हैं, पुराने कवि हैं, जो दिवंगत कवि हैं और जो बंगला भाषा के जो मूर्धन्य कवि हैं उनकी कविताओं का पाठ करते हैं। और पाठ करना भी एक कला है, कविता पाठ करना, ये आप बंगाल से सीख सकते हैं। आवृत्ति करने वाले कवि नहीं होते, वो अलग कलाकार होते हैं। जैसे नाटक खेलने वाले कलाकार होते हैं, वैसे ही आवृत्ति, कविता की आवृत्ति करने वाले कलाकार होते हैं। और उनको सुनने के लिए बहुत संख्या में लोग आते हैं। वो रविंद्र की, नजरुल की, शक्ति चट्टोपाध्याय की, बहुत जितने भी कवि हैं उन कविताओं का पाठ करते हैं और उनको सुनने के लिए वैसे ही लोग आते हैं जैसे हिंदी क्षेत्रों में नाटक देखने के लिए या फिल्म देखने के लिए लोग आते हैं। तो कविता लिखना एक काम है और कविता पाठ करना एक अलग कला है, अलग वो है। आप देखते होंगे कि कवि, बहुत अच्छे कवि भी कई बार अपनी कविताओं का अच्छा पाठ नहीं कर सकते और कई कमतर कवि कविताओं का पाठ अच्छा करते हैं। ये उर्दू में भी देखा जाता है, जैसे कि फैज अहमद फैज और अहमद फराज का जो काव्य पाठ अगर सुना है तो आपको लगेगा कि वो उस प्रभावी ढंग से अपनी कविताओं का पाठ नहीं कर पाते थे जैसा प्रभाव उन्होंने, उनकी कविताओं ने जनमानस पर छोड़ा। तो ये एक अलग कला है। शमशेर बहादुर सिंह मेरे प्रिय कवि, हिंदी के सर्वाधिक सौंदर्यशील, क्रांतिकारी और संवेदनशील क्रांतिकारी और सौंदर्य चेता कवि, उनकी टूटी हुई बिखरी हुई जो प्रेम कविता है वो तो एक दस्तावेज है, बहुत ही अद्भुत है। लेकिन मैं आज जो इनकी कविता मैंने चुनी है सुनाने के लिए वो शायद इस दौर के लिए भी मौजूद है और बहुत जरूरी है। इसलिए धार्मिक, इस कविता का शीर्षक है धार्मिक दंगों की राजनीति। आज देखिए हम कैसी जगह पर आ गए हैं। धर्म आपस में, मतलब धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे, दलित और सवर्ण के नाम पे, ये इस नाम पे, उस नाम पे, कितनी खाइयां हमने हमारे भारतीय समाज में बना ली हैं। जरा सोच के तो देखिए इन कैसा राष्ट्रवाद और कैसा ये अंधा राष्ट्रवाद और कैसी कैसी ये धार्मिक धर्मांधता, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, इसकी जरूरत नहीं है। तो शमशेर बहादुर सिंह क्या कहते हैं, धार्मिक दंगों की राजनीति कविता का शीर्षक है। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। जो धर्मों के अखाड़े हैं उन्हें लड़वा दिया जाए, जरूरत क्या कि हिंदुस्तान पर हमला किया जाए। मुझे मालूम था पहले ही ये दिन गुल खिलाएंगे, ये दंगों और धर्मों तक भी आखिर फैल जाएंगे। शायर बहुत अच्छे थे शमशेर बहादुर सिंह। अगर वो हिंदी में नहीं लिखते
वो बहुत उच्च कोटि के उर्दू के शायर होते, लेकिन उन्होंने हिंदी में लिखा, और कहते हैं कि हिंदी कविताएं भी वो नस्तलीक में उर्दू स्क्रिप्ट में लिखते थे, और उन्होंने लिखी है बहुत अद्भुत गजलें, उन्होंने कुछ लिखी हैं। अभी इसमें भी कुछ गजल का रंग आता है कि तबीयत मुझे मालूम था पहले ही ये दिन गुल खिलाएंगे, ये दंगों और धर्मों तक भी आखिर फैल जाएंगे, तबीयत को रंगो जिस रंग में रंगती ही जाती है, बढ़ो जिस सिमत में उसकी ही सीमा बढ़ती जाती है, जो मुस्लिम था वो सिख हिंदू हो गया, देखो ये नफरत का तकाजा और कितना बढ़ गया, देखो अब इसके पहले भी मिलजुल के आखिर रहते आए थे, जो अपने भी नहीं थे वो भी कब इतने पराए थे। देखिए पंक्ति देखिए कि जो अपने भी नहीं थे वो भी कब अब इतने पराए थे, अब तो अपने ही पराए हो गए हैं, हम अपनी सभ्यता के मानियों मतलब ही खो बैठे, जो थी अच्छाइयां इतिहास की उन सबको धो बैठे, तबीयत जैसी बन जाती फिर बनती ही जाती है, जो तन जाती है आपस में तो फिर तनती ही जाती है, हमारे बच्चे वो ही सीखते हैं हम जो करते हैं, हमें ही देखकर वह तो बिगड़ते या संवरते हैं, जो हश्र होता है फर्दों का वही कौमों का होता है, वही फल मुल्क को मिलता है जिसका बोझ भी होता है। ये हालत देखकर अपने जो दुश्मन मुल्क होते हैं हमारी राह में वो चुपके चुपके कांटे बोते हैं, हमारे धर्मों की क्या क्या न वो तारीफ करते हैं, वो कहते हैं कि हम तो आपके धर्मों पे मरते हैं, ये है कितने महान, इनकी तो बुनियादें बचाना है, दरअसल हमको लड़ाकर उनकी बुनियादें हिलाना है, ये मुल्क इतना बड़ा है ये कभी बाहर के हमले से न सर होगा, जो सर होगा तो बस अंदर के फितने से, ये मंसूबा है दक्षिण एशिया में धर्म का चक्कर चले और बौद्ध हिंदू सिख मुस्लिम में रहे टक्कर, वो टक्कर हो कि सब कुछ युद्ध का मैदान बन जाए, कभी जैसा नहीं था वैसा हिंदुस्तान बन जाए। ये शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं, ये काल तुझसे होड़ है मेरी कविता संग्रह से मैं पढ़ रहा था, सुनाऊंगा कविता कारवां के सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।